इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। शॉर्ट में इसको बोला जाता है YDSE। आप लोग YDSE टर्म का ही यूज कीजिएगा, कई बार ना एग्जाम में भी बोलता है इन YDSE और जो भी पूछना है वो पूछ लेता है, तो ऐसा ना सोचे कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होगा क्या, देखिए हम लोग पिछली बार जो पढ़े थे ना कि कंडीशन को कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसी को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है डबल स्लिट और इसके सामने हम रख देते हैं एक सिंगल सोर्स। सिंगल सोर्स ही होना चाहिए कोहरेंसी के लिए, हाँ एग्जैक्टली सिंगल सोर्स होगा। और ये दोनों स्लिट, मतलब कि स्लिट वन और स्लिट टू दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो आप जो बोल रहे हैं सेम टाइम में लाइट यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा। अब जो लाइट का फॉर्म यहां बाहर आएगा वही लाइट का फॉर्म यहां भी बाहर आएगा, कहने का मतलब अगर यहां क्रेस्ट है तो यहां भी क्रेस्ट आएगा, ठीक। तो हम लोगों को कोहरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट मिल गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहां पर स्क्रीन में हम लोगों को बहुत सारा यहां पर वाइट डार्क और ब्राइट फ्रिंज का एक पैटर्न मिलेगा, तो जो सबसे सेंटर में होता है यहाँ पे क्या होता है ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, जो जो बॉक्सेस है वो सब क्या है ब्राइट, जो खाली जगह है वो क्या है डार्क। देखिए ऐसे करके बनते जाएगा, दूर तक बनते जाएगा, ठीक। ब्राइट कहाँ होता है, जहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ मिलता है। डार्क कहाँ होता है, जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मिलता है ना जी, ठीक है। तो अब हम लोग ये सब चीज़ तो देख लिए, अब हम लोग इसी को देखेंगे मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुनिए, मान लीजिए कि हम पहला एक वेव पल्स लेते हैं, थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, पहला वेव पल्स लेते हैं y1, y1 है a साइन ओमेगा t, और y2 सेकेंड वेव पल्स है जिसका वैल्यू है b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। याद कीजिए कोहरेंट सोर्स होने के लिए कंडीशन था कि दोनों दो लाइट जो होता है दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ, हाँ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस या तो फेज डिफरेंस ना हो या अगर हो तो कांस्टेंट हो, तो यही वो फेज डिफरेंस है। मतलब देखिए फेज का कुछ मतलब नहीं होता है, फेज का मतलब होता है एंगल, फेज का क्या मतलब होता है एंगल, एंगल हमेशा साइन या कॉस के बाद लिखते हैं, तो यहाँ पर एंगल क्या है ओमेगा टी और यहां पे एंगल क्या है, दोनों में डिफरेंस किसका कितना है फाई का, तो ये फाई कांस्टेंट है, ठीक है फाई क्या है कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग यही पढ़े थे कि दो लाइट आपस में सुपर इंपोज करेगा, मिल जाएगा जुड़ जाएगा। मैथमेटिकली सुपर इंपोज होने का मतलब होता है एड करना, तो यहां पर दो वेव्स है दोनों को सुपर इंपोज करेंगे, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, है ना। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, तो ऐड करेंगे तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा, अब रिजल्ट हो सकता है डार्क हो, रिजल्ट हो सकता है ब्राइट हो, तो चलिए रिजल्ट हम लोग देखते हैं। यहां पे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 क्या है a साइन ओमेगा टी, y2 क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां तक सब कुछ अच्छा है। आगे देखिए वाई इक्वल्स, आप लोग ना आराम से देखते जाइएगा तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। बी को बी ही रहने देते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बोलिए होता है कि नहीं। ये सब हम लोग कब पढ़ते हैं, क्लास 10 में ही पढ़े होंगे, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी सब में ऐड कर देते हैं, मतलब कि बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना।
आप लोग ना, हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं, उसको आप हमेशा याद रखिएगा। अभी ना ये बहुत लंबा कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है? आप लोग को आता सब है, कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या वो भी आता है, हम भी बताते चलेंगे। एंड रिजल्ट क्या होगा ना, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। आप लोग मूवी देखते रहिए, क्लाइमैक्स बाद में समझेंगे। आपको बस खाली इतना देखना है कि मैथमेटिकली कोई स्टेप गलत ना हो, बस इतना देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी एंड में ना अपने आप एकदम सुंदर सा रिजल्ट सामने आएगा, छोटा सा रिजल्ट आएगा, वही जो आप लोग लिखे हैं, देखिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। वाई इज इक्वल टू, इतना तो हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें और इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, ले लिया जाए। हाँ, जो कॉमन ले सकते हैं वो ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट में क्या जाएगा, ए प्लस बी कॉस वाई, हाँ प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कॉस ओमेगा टी इंटू बी साइन फाई। बाहर चले गए हम रेंज के, अब ठीक है ना? हाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे ओमेगा टी आगे लिखे हैं ना, वैसे ही यहाँ भी ओमेगा टी वाला टर्म आगे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी इंटू बी साइन फाई, हो गया बात खत्म। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये जो टर्म है ना जी, ये ना वेरिएबल है, बदलेगा। ये जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट है, फिर ये वेरिएबल है, फिर ये कांस्टेंट है। कैसे पता चल रहा है ये वेरिएबल है, क्योंकि ना इस टर्म में टाइम है, टाइम हमेशा बदलता है, टाइम रुकता नहीं है। तो टाइम अगर बदलते रहेगा तो ये पूरा एंगल ही बदलते रहेगा, अगर एंगल बदलते रहेगा तो साइन का वैल्यू भी बदलते रहेगा, है कि नहीं जी? तो लेकिन यहां पे देखिए, ए क्या था, ए था एम्पलीट्यूड ऑफ पहला वेव, बी क्या था एम्पलीट्यूड ऑफ दूसरा वेव, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, उसके बाद फाई कांस्टेंट फेज डिफरेंस है ना? तो कुल मिला करके यहाँ ए बी और फाई ही तो है, कांस्टेंट है, यहाँ ओमेगा टी में फिर टी है तो वेरिएबल होगा, और फिर फाई है और बी है इसलिए कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी मतलब अनिल सुनील नहीं रखना है, ऐसा नाम रखिएगा ना जिससे एक मीनिंगफुल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या आइडेंटिटी मिल जाए, बात समझे? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, मिटाते सीधे आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में भेजे हैं हम, ठीक है, भेज दिए हैं हम, सब कुछ भेज दिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चला जाएगा, है ना? इधर हम लोग देखते हैं आगे, आप लोग लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग यहां पर कांस्टेंट टर्म को रीनेम करेंगे, लेट ए प्लस बी कॉस फाई इक्वल्स आर कॉस थीटा, मान लिए, ठीक है, कुछ भी नाम रखना था तो हम रख दिए, बी साइन फाई बराबर आर साइन थीटा रख दिए, ठीक है। कांस्टेंट का नेमिंग हम कर सकते हैं, वो तो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, तो उसके बाद जगह पे कुछ और नाम रखा जा सकता है, बाद में इसको हम सिमिलर कर देंगे। इसमें आपको जो नाम रखे हैं उसमें दो ही चीज ना एक्स्ट्रा है, आर और थीटा, हम आर और थीटा को इसी टर्म में डिफाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए तो ये जो था एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन नंबर ए, ये है एक्सप्रेशन थ्री और फोर, क्योंकि पहला और दूसरा एक्सप्रेशन सबसे पहला वाई वन और वाई टू माने थे, है ना? तो ये थ्री फोर हो गया, वो ए है, ए इसलिए है क्योंकि बाद में इससे जो भी वैल्यू निकलेगा वहां पे पुट करेंगे। देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, हाँ हमको करना, हम लोग क्या चाहते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और ऐड करते हैं, ठीक है? तो देखिए इसको स्क्वायर करते हैं,
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ऐड भी करेंगे तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऐड कर दिए, यही ना करना था, स्क्वायरिंग दोनों को स्क्वायर कर दिए एंड एडिंग, तो ऐड कर दिए, हो गया। अब इस साइड को, इसको इन दोनों को भी स्क्वायर और ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर, बोलिए होगा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर ही बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन होता है ना, हाँ ठीक है। तो हम लोग वन लिखने का जरूरत तो कुछ खास है नहीं, बाकी हम लोग इधर आते हैं, देखिए यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए बी कॉस फाइव, बहुत अच्छा। और यहां क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, बोलिए होगा कि नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, बी स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाइव या साइन स्क्वायर फाइव वन हो जाएगा, बाकी बचा ये, तो ये लिख देते हैं टू ए बी कॉस फाइव, देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है ना जी, आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ले आए, ले आए तो क्या हुआ, बताते हैं क्या हुआ, इसको पहले लिख लीजिए, मतलब लिखना नहीं ना है तो मत लिखिए, चलिए ठीक है ना, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर बी बना देते हैं, और अब देखते चलिए क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका काम आएगा बाद में, अब हम लोग वहाँ चलते हैं। एक्चुअली में हम ये दोनों को माने थे ना, तो अब इन्हीं दोनों का वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे, इसको हम निकाल के भविष्य के लिए रखे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए y इक्वल्स साइन ओमेगा t, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, इंटू इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा t आर साइन थीटा, है ना, इंटू आर साइन थीटा, कुल मिला करके इस पूरे टर्म में आर को हम बाहर कर सकते हैं, कॉमन लेके आर को हम बाहर कर दिए, बचा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, है ना जी, तो ये होता क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, अगर ओमेगा टी ए है और थीटा बी है तो साइन ए प्लस बी होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, बोलिए लिखेंगे ना जी, एक बात बताइए, हम लोग शुरू में जब शुरू में लिखे थे तो हम लोग बोले थे ना वाई बराबर वाई वन बराबर कुछ वाई टू बराबर कुछ, और दोनों को जब जोड़े थे तो वाई बराबर आया था वाई वन प्लस y2, ये था फर्स्ट वेव पल्स, ये था सेकंड वेव पल्स, दोनों को सुपर इम्पोज किए तो ये आया रिजल्टेंट वेव पल्स, यही वो रिजल्टेंट वेव पल्स है, ठीक है। यहाँ y1 बराबर आप लिखे थे a साइन ओमेगा t, वो a क्या था, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ये है ना जी, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरा y2 आप लिखे थे b साइन ओमेगा t प्लस फाइव, से b क्या था, उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, किसी भी इक्वेशन के पहले एम्पलीट्यूड लिखा रहता है। y बराबर क्या आया, तो वहां पे एम्पलीट्यूड क्या है, r, और यहां पे वही r का वैल्यू लिखा हुआ है ना, इसीलिए इसको हम बोले थे भविष्य के लिए इसको हम लोग रखेंगे। तो यहां पर आपको r का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू किस टर्म में लिखा हुआ है, ए बी और फाइव के टर्म में, ध्यान से देखिए यहां और कुछ नहीं है, ए बी और फाइव ही है, ए बी और फाइव तीनों कांस्टेंट था, तो इसका मतलब है कि इस रिजल्ट का जो एम्पलीट्यूड आया है वो भी कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बात समझ गए, ठीक। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है,
चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे तो हम लोगों को और काम आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब असली मैथमेटिकल गिच पिच शुरू होगा। यहां तक मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है, एंड में क्या आना है उसको मारिए गोली, आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छी स्थिति है अभी तक, मैथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई, अब आप लोग सुनिए, हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि जब आप गाना उना बजाते हैं वूफर में तो बहुत तेज साउंड में बजाते हैं, आपको बोला जाता है वॉल्यूम कम कीजिए, तो आप साउंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को कम करते हैं, एम्पलीट्यूड, है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी कम नहीं करते हैं, एम्पलीट्यूड कम करते हैं। जैसे हम लोग लास्ट डे बात भी किए थे इस बारे में कि मान लीजिए कि अरिजीत सिंह गाना गा रहा है, आप उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं करके आप उसका फ्रीक्वेंसी ये कम कर दिए तो कैसा आवाज आएगा, हाँ चेंज ही नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त आवाज आएगा, तो चाई चुई वाला आवाज आएगा, हाँ वो एकदम लगेगा फास्ट फॉरवर्ड टाइप का कुछ गा रहा है, एकदम फालतू टाइप का लगेगा, लगे अरिजीत सिंह ने हम गा रहे हैं, सही में। ठीक है, तो आप लोग वॉल्यूम कम करने बोलते हैं तो एग्जैक्टली आप क्या कम करते हैं, एम्पलीट्यूड, वॉल्यूम कम करने बोला जाता है आप एम्पलीट्यूड कम करते हैं, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इंटेंस साउंड है, मैंने वो इंटेंसिटी बता रहा है ना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, कान में चुभ रहा है, मतलब कि साउंड का इंटेंसिटी ज़्यादा है, लाइट का इंटेंसिटी अभी ज़्यादा है, एक ही बल्ब जलेगा तो, हाँ तो एग्जैक्टली अगर हम साउंड का इंटेंसिटी बढ़ाना है तो हम साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाना है तो लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, है क्या नहीं, तो एग्जैक्टली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो या इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना जी, इसको याद रखिएगा। अब सुनिए, फर्स्ट वाला जो हम लोग माने थे लाइट वेव, फर्स्ट लाइट वेव क्या था, वाई वन था क्या, हाँ, दूसरा लाइट वेव क्या था, हाँ बी 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 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक, तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ए, तो फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी क्या होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, देयरफॉर आई वन इक्वल्स के ए स्क्वायर, के कांस्टेंट है, हाँ ठीक, उसी तरह से सेकेंड वेव का इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो सेकेंड वेव का इंटेंसिटी बराबर के बी स्क्वायर, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, हाँ, तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, होगा कि नहीं, देयरफॉर रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी होगा के आर स्क्वायर, बोलिए होगा, ठीक, तो आई बराबर के तो हम लिख दिए, आर स्क्वायर की जगह यही ना लिखेंगे, हाँ तो चलिए लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव, ठीक, तो आई बराबर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के कॉस फाइव, होगा ना, ठीक, ये क्या है, ये है इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट, है ना जी, तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर क्या होता है, मतलब कि पहला वेव का इंटेंसिटी के बी स्क्वायर, यहां क्या होगा, देखिए यहां क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां होगा टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ये कैसे हुआ पता चला, देखिए हम बताते हैं, इसको मिटा देना अब, देखिए कुछ नहीं ऐसे किया हम, क्या किए सुनिए, यहां पे ए बी के है ना, वही इतना बन गया, कैसे बना देखिए,
हम लिखते हैं ए बी के, अब हम लिखते हैं अगर इस सब को हम रूट के अंदर लिखेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं। एक के इसको देंगे तो के ए स्क्वायर, एक के इसको देंगे के बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब के ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, आई वन, के बी स्क्वायर को आई टू, दोनों है रूट के अंदर तो आई वन आई टू रूट, बात समझे, ठीक है ना जी, ठीक। तो यहां तक हम लोग ले आए, अब सुनिए यहीं से असली कहानी शुरू होता है। अब ना वो तो बाहर रहेगा ना, कॉस फाइव से कोई लेना नहीं था रूट का, रूट तो यही तीन का खेला है ए बी के का। तो ये क्या है, ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब सुनिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि आप कर रहे हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन में क्या होता है, कहीं पे डार्क बनता है कहीं पे ब्राइट बनता है, मतलब ये क्या है ब्राइट, ये क्या है डार्क। ब्राइट बनता है का मतलब इंटेंसिटी बढ़ गया और डार्क बन गया मतलब इंटेंसिटी मिनिमम हो गया, यही ना इसका मतलब हुआ। तो आप एक बात बताइए, यही रिजल्टेंट वेव है, तो रिजल्टेंट वेव तो पूरा का पूरा स्क्रीन पे है, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, तो जहां ब्राइट होगा वहां ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और जहां डार्क होगा मिनिमम होगा। यहां तक बात समझिए, ठीक, मिटा दें। हाँ आप सुनिए, यहां पर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यही हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना जी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या बना है, ब्राइट है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट, ब्राइट बना है का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया है ना, ब्राइट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा इसमें आई वन आई टू ये सब तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है भाई, क्योंकि गिवन वेव जो था ना उसमें ए बी ये सब भी कांस्टेंट था, बाकी बचता है ये फाई। तो जब लाइट जा रहा है वेव के फॉर्म में है, ठीक है, तो दोनों के बीच दो लाइट है ना जी, तो दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए दो लाइट ऐसे आया यहां मिला, लेकिन लाइट इधर भी तो ब्राइट होगा, लाइट ऐसे जा रहा है इधर से ऐसे जा रहा है, ये दोनों एंगल सेम है नहीं, और भी तो ऊपर होगा, एक लाइट इधर जा रहा है एक लाइट इधर जा रहा है, एंगल दोनों का सेम है नहीं, तो ये आई मैक्सिमम होगा अगर कॉस फाई मैक्सिमम होगा, यही तो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, प्लस वन, मिनिमम वैल्यू माइनस वन, और तो कोई है नहीं, है ना जी। तो देखिए यहां पर तो आई को मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा, आई को मिनिमम होने के लिए कॉस फाई को मिनिमम होना पड़ेगा। तो कंडीशन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वहां ब्राइटनेस होना चाहिए, आई मैक्सिमम होना चाहिए फॉर आई टू बी मैक्सिमम, दैट इज फॉर आई मैक्स कॉस फाई नीड्स टू बी मैक्सिमम, ये कॉस फाई मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस वन, और वो किस एंगल पे होता है, जीरो डिग्री पे होता है और बहुत सारा एंगल पे होता है। हाँ देखिए ना, हम यहाँ पे बना ही देते हैं, देखिए यहाँ पे कॉस का आप पूरा ग्राफ बनाइए, बिल्कुल ये जीरो डिग्री पे वन होता है, देखिए यही है प्लस वन, ये है माइनस वन और ये है जीरो, जीरो डिग्री पे होता है ना, जीरो डिग्री नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, रेडियन में देख लेते हैं, जीरो रेडियन पे होता है। फिर देखिए 90, 180, 270, 360 टू पाई पे होगा, है ना जी, फिर टू पाई, उसके बाद देखिए ऐसे देखिएगा, हाँ
थ्री पाई, फोर पाई, फोर पाई पे होगा, ऐसे करके कहां तक जाएगा, टू एन पाई तक जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे क्या लिखिएगा, कॉस टू एन पाई, तो फाई बराबर क्या होगा, टू एन, सॉरी क्या होगा, टू एन पाई। फाई का वैल्यू जहां पे ये भी लिखना होगा, वेयर एन इक्वल्स जीरो वन टू डॉट 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 डॉट, जो लिखना है लिख दीजिएगा उसमें, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स। आप यहां पे जीरो लगा के देखिए, फाई कितना आएगा, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, यहां वन लगा के देखिए, टू पाई का वैल्यू, कॉस टू पाई का वैल्यू वन होता है, फोर पाई का वैल्यू वन होता है, तो एन टू एन पाई का वैल्यू वन ही होगा। तो ये जब जब फाई इतना इतना रहेगा तब तब कॉस फाई का वैल्यू मीन मैक्सिमम होगा, जब जब कॉस फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब तब इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। खैर अब हम लोग ये बात सुनते हैं और सोचते हैं, ये फाई है क्या, क्या बोल करके लिखे थे फाई, y2 में फाई आया था, y2 जब लिखे थे ना सेकंड इक्वेशन, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ऐसा बोले थे ना हम लोग, ये बोले थे कि y1 होता है, ऐसे बोले थे y1 होता है a sin ओमेगा t, y2 होता है b sin ओमेगा t प्लस फाई, तो दोनों का फेज मतलब दोनों इक्वेशन के एंगल में क्या डिफरेंस है, फाई, तो ये फेज डिफरेंस है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब सुनिए कि फेज डिफरेंस अगर हम बोलते हैं, अगर हम आपको बोलते हैं एप्पल, मन में कोई चित्र बनता है, बनता है ना जी, है वह बोलेंगे एलिफेंट, मन में कोई चित्र बना, हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, मन में कोई चित्र नहीं बना, उसको बनवाना ना होगा, चलिए बनाते हैं, एक बार वो मन में चित्र बन जाएगा ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फेज क्या होता है, हम आपको बताते हैं, और फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी बताते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। ये है कोई वेव, ठीक है, यहां पर एक बच्चा खड़ा है जिसका नाम है ए, और यहां पर एक बच्चा खड़ा है जिसका नाम है बी, ठीक है ना जी, ये एक वेव है, और एक बच्चा यहां पे खड़ा है, एक बच्चा एंड ऑफ द साइकिल पे खड़ा है। यहां ए से बी का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस एकदम स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसको जनरली हम लोग वेव लेंथ कहते हैं और लैम्डा से डिनोट करते हैं, करते हैं कि नहीं, ठीक है। अब भविष्य में आप इसको वेवलेंथ ना बोल करके, वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, वेवलेंथ ना बोल के इसको आप पाथ डिफरेंस कहिएगा, क्या बोलिएगा, पाथ डिफरेंस, इसका नाम रखिएगा पाथ डिफरेंस, बोलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस था ए और बी के बीच में, लेकिन ना ये स्ट्रेट लाइन बस ऐसे ही है, असली रोड ये नहीं है, अगर आपको बी तक पहुंचना है तो इसे घूम के पहुंचना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये मान लीजिए ये तो डिस्प्लेसमेंट है, आपको डिस्टेंस कवर करना है, तो आप इसे घूम करके पहुंचे, तो ना आपका एंगल बदलते जा रहा था, आप यहां हैं तो जीरो, यहां है 90, 180, 270, 360, होता है कि नहीं, होता है ना जी, हाँ। तो कुल मिला के ये कितना एंगल है, जीरो, और ये एंगल कितना है, 360 डिग्री, जिसको आप 2 पाई रेडियन भी कहते हैं, कहते हैं हाँ। तो सुनिए, ए और बी के बीच में हम पूछेंगे पाथ डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा लैम्डा, पाथ डिफरेंस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। हम पूछेंगे ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, मतलब हम पूछ रहे हैं एंगुलर डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा 2 पाई, जो यहां खड़ा है वो 0 रेडियन पे खड़ा है, जो यहां खड़ा है वो 2 पाई रेडियन पे खड़ा है, समझ गए। तो ये जो ऐसे घूम करके जा रहे हैं ना, वो एंगुलर डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अब दोनों में रिलेशन निकाल के देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तो ए है यहां, बी है यहां, सी अगर यहां खड़ा है तो ए और सी का फेज डिफरेंस कितना है, पाई। यहां पे डी खड़ा है, सोच के बताइएगा सवाल, हाँ वो ये पाई बाई टू ए से है, बी और डी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 3 पाई बाई टू, मतलब ये है 90 डिग्री पे,
और ये है 360 डिग्री पे, तो 270 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 3 पाई बाई 2 का। अब फेज डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, एक और सवाल, इसका और इसका पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 2 है ना, इसका और इसका। बहुत अच्छा, मतलब आप समझ गए ना पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस में आप क्या देख रहे हैं? सीधा सीधा कितना डिस्टेंस है सीधा, और फेज डिफरेंस में क्या देख रहे हैं? एंगुलर डिफरेंस कितना है। तो अब मेरी बात सुनिए, अब आप लोग एकदम आराम से समझ जाइएगा, कुछ नहीं बचा इसमें। देखिए, अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है ना जी, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? हाँ, अगर लैम्डा दो ऑब्जेक्ट या दो आदमी के बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। अगर 1 पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा। यूनिटरी मेथड है जी, एकिक नियम। अगर पाथ डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा x होगा कि नहीं जी, बताइए। ठीक है ना, हाँ, तो इसको मिटा दे रहे हैं और सुनिए ध्यान से, अब बताइए x बराबर क्या होगा? यहां से कीजिए लैम्डा बाई 2 पाई फाई, दिस इज पाथ डिफरेंस, दिस इज फेज डिफरेंस। अब यही बात किताब में क्या लिखता है ना, इस स्टेप के बाद सीधे लिखता है कि दिस इज फेज डिफरेंस, सो द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इज दिस। आप समझ गए ना कैसे आता है? यहां तक अगर समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, फेज डिफरेंस इतना ही आया है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए, यहां पर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ वहां पे, लैम्डा बाई 2 पाई फाई। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई का वैल्यू क्या है? कितना है? ठीक, 2 पाई कट गया। x बराबर क्या आया याद कीजिए, वही ना लाए थे, समझे? ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। और अब देखिएगा, हम लोग फाइनली इसको समझने के कगार पे आ गए, यही इसका क्लाइमेक्स था। कहां कैसे पहुंचे यहां तक वो समझ गए ना, याद रखने की जरूरत नहीं, आपसे ये पूछेगा नहीं कैसे पहुंचे, लेकिन इसलिए ये बताना जरूरी था ना, क्योंकि इंटरमीडिएट रिजल्ट बहुत सारा था जिससे आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो अब आप बता पाएंगे। हम इंटरमीडिएट रिजल्ट में कहां सवाल पूछेगा वो भी बताएंगे। देखिए, तो ये हो गया कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर वो पूछता है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस का कंडीशन क्या है, तो आप बोलिएगा x = n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस का कंडीशन क्या है, phi = 2n pi। ठीक ना जी, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये है डबल स्लिट, ये है स्क्रीन जहां पे ब्राइट बना डार्क बना, ब्राइट बना डार्क बना, ब्राइट बना, वैसे ही यहां भी ब्राइट ब्राइट, बीच में जो भी है वो डार्क है। अब हम लोग इसी को देखिए कैसे सीखेंगे, जब भी ब्राइट है ना तो मैक्सिमम, जब भी डार्क है मिनिमम, ब्राइट है मैक्सिमम, डार्क है मिनिमम, डार्क है मिनिमम, ब्राइट है मैक्सिमम, डार्क है मिनिमम। चलिए अभी सबको जोड़ देते हैं, ये देखिए जोड़ दिए है ना, ठीक है ना, हाँ। ठीक हो गया, अब देखते चलिए यहां पे, हाँ क्या करना है हम लोग को, यही सेंट्रल मैक्सिमम, ये इसी को हम जीरो मानेंगे, इसी को हम जीरो मानेंगे। अब बताइए वहां पे क्या आया है, n इज इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू n लैम्डा, n का वैल्यू क्या क्या लेंगे, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये ब्राइट का है। यहां पे देखिए यही सेंटर है, सेंटर में हम लोग n के जगह पे 0 लेंगे तो x क्या आएगा, 0। उसके बाद ये है फर्स्ट मैक्सिमम,
फर्स्ट मैक्सिमम में हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ये था सेंटर, ये है फर्स्ट, फर्स्ट में क्या लेंगे हम लोग n इज इक्वल टू वन, तो n इज इक्वल टू वन लेंगे तो क्या आएगा लैम्डा। तो देखिए इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट का जो दूरी है वो क्या है लैम्डा, दो लगाएंगे दूसरा वाला जब आएगा दो लगाएंगे तो क्या आएगा टू लैम्डा, तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा टू लैम्डा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव करते हैं कहानी खत्म हो जाएगा बस। ठीक है, कंडीशन फॉर क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई क्या होना चाहिए मिनिमम, है ना, मतलब वहां ब्राइटनेस नहीं डार्कनेस बनेगा, तो डार्कनेस बनेगा मतलब मिनिमम चाहिए, मिनिमम होने के लिए फॉर आई टू बी मिनिमम, फॉर आई टू बी मिनिमम, तो आई मिनिमम अगर होगा तो कॉस फाई भी मिनिमम होना चाहिए, कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू हो सकता है माइनस वन, नहीं जी कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस वन, माइनस वन कब कब आता है चलिए बिल्कुल इसको हम लोग देख लें खाली बस हो जाएगा तुरंत हो जाएगा। ये देखिए माइनस वन यहां आएगा तो ये है जीरो नाइनटी वन एटी, ये है पाई टू पाई थ्री पाई, थ्री पाई पे भी आएगा माइनस वन, फिर कब आएगा फोर पाई फाइव पाई, मतलब कि पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई कर करके हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कॉस फाइव नीड्स टू बी माइनस वन एंड फॉर दैट कॉस ये आएगा टू एन माइनस वन पाई बाई टू, यही ना आता है जी, करके देखिए यहां पे n का वैल्यू क्या, कहां से स्टार्ट कीजिएगा वन से, टू से जीरो से मत स्टार्ट कीजिएगा, ठीक वन रख के देखिए तो कितना आएगा पाई बाई टू पे गलती कर दी है ना, यहां पे पाई होना चाहिए बताइए क्या होगा आ जाएगा ना पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन होता है ना। ठीक है अब टू रख के देखिए थ्री पाई तो आ रहा है ना पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई आ जाएगा। ठीक तो यहां तक तो ये आ गया चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब हुआ कि फाई का वैल्यू क्या रहना चाहिए जी, रहना चाहिए ना इतना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस तो यही है पाथ डिफरेंस, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा बाई टू पाई फाई, अभी निकाले थे ना हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का ये रिलेशन होता है, अगर आपके पास फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस इस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो लैम्डा बाई टू पाई फाई का मतलब टू एन माइनस वन पाई, ये पाई और पाई कट गया तो एक्स बराबर क्या आया टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, एन का वैल्यू वही रखिएगा जो यहाँ पे रखे थे, एन का वैल्यू होगा वन टू थ्री, बताइए यहाँ वन रख के देखिए कितना आता है लैम्डा बाई टू, आ रहा है ना आता है ना जी, लैम्डा बाई टू का मतलब होता है आप जैसे उस समय बताए थे ना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है लैम्डा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, ये देखिए आपको पहला मिनिमम मिला। अब वहाँ पे टू रख के देखिए थ्री लैम्डा बाई टू, तो देखिए यहां से यहां तो यहां से यहां तो लैम्डा ही होगा, एक ट्रफ से दूसरा ट्रफ लैम्डा, और यहां से यहां तक था लैम्डा बाई टू, तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू, सेवन लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन, बात समझे। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन देखे इन टर्म्स ऑफ फेज एंड पाथ। ठीक है, आप फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस भी समझ गए, अगर अब हम एप्पल बोलेंगे तो एप्पल भी सोच पाएंगे, और पाथ डिफरेंस बोलेंगे तो क्या सोचिएगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और फेज डिफरेंस बोलेंगे तो क्या सोचिएगा घुमा हुआ कितना एंगल में दोनों का डिफरेंस है ना जी, अब सोच पा रहे हैं ना, तो यही हाँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं,
ये पूरा इंटरफेरेंस था, खाली अगला बार फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, डिफ्रैक्शन खत्म, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है।